जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आपका दोस्त अनुज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लास्ट डेट में। तो जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना जो है चलाई गई है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा गया है, क्या मांग रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। उसका यहाँ पर देख सकते हैं योजना के बारे में। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों की दृष्टिगत रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज की अगर बात की जाए तो समग्र परिवार सदस्य आईडी, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी, जो आपकी फैमिली आईडी है उसको आपको लेके जाना है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। तो समग्र आईडी पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर, जो आपने समग्र आईडी पोर्टल में लगवाया वो मोबाइल नंबर लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड और समग्र आईडी की केवाईसी आवश्यक है। तो आपको केवाईसी एमपी ऑनलाइन या फिर सीएससी सेंटर से करा लेनी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड और बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय, जिनकी डीबीटी अभी सक्रिय नहीं है वो बैंक अकाउंट में जाके अपना डीबीटी सक्रिय करा लें। उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि किसी ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, उसको पता करना है कि उसका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की सेकंड स्क्रीन पे। तो गूगल क्रोम में आ जाने के बाद हमें सर्च करना है लाडली बहन योजना फॉर्म स्टेटस। तो इसको सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की स्थिति, जो पहला ही आ रहा है ऑप्शन, इस पर जाके क्लिक करेंगे। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक। अगर आपके पास पंजीयन क्रमांक है तो वो डाल के भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना जो समग्र आईडी है महिला का उसको डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना समग्र आईडी डालूँगा, समग्र आईडी डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे खोजें पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, आपकी जो समग्र आईडी है वो, आपका जो जिला है, आवेदन की स्थिति। हाँ, अगर यहाँ पे ना लिखा है तो आपका आवेदन नहीं हुआ है। उसके बाद संभाग और स्थानीय निकाय जहाँ से आपने फॉर्म सबमिट किया है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आवेदन संख्या और ये सब डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे समग्र आईडी डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर खोजें पर क्लिक करके अपना डिटेल देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।